जाने वाली है भाभी, उससे पहले ही सुबह सुबह प्रणाम कर रही हूँ। मम्मी पापा चाय पी ले लो। सुबह हो चुका है, सुबह क्या टाइम हो रहा है 9:30। इधर पैकिंग कर। तो भाभी घर में अब शादी का माहौल हो गया है, पंडाल पंडाल नहीं क्या टेंट वेंट गिरने वाला है, और आप इसी भीड़ में जा रही हैं। क्यों जा रहे हैं? वहां भी तो तैयारी करवाना है क्योंकि टेंट उसके बाद गिरेगा जब आप आ जाएंगी तब, है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शादी, प्रिंस की बहुत जल्दी ही होगी। तो हम लोग अब पूछ भी रहे हैं, है ना, इंगेजमेंट जब होता है ना तो सब लोग चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, शादी और सबसे ज्यादा तो गाइस जैसे ही ये शादी के बाद आएंगी ना, जैसे ही शादी के बाद आएंगी उसके अगले दिन ही सारे वो कुक वगैरह आ जाएंगे बनाने के लिए, खाना, टेंट गिरेगा, डीजे वीजे सब लगना स्टार्ट होगा। तो बस बने रहिए व्लॉग में, मस्ती करेंगे। हाँ, और मेरे एनिवर्सरी पे तो आप नहीं रहेंगी यहाँ पे। हाँ यार, जहाँ हम जा रहे हैं वो 28 को ही है, तो सेम डे शादी है, यहाँ भी 28 को शादी है, लेकिन अब उसी दिन लगन ही है तो अब क्या ही कर सकते हैं। 28 को है, मतलब इस मंथ में बहुत सारा लगन है शादी का। तो फिर चलिए पैक कीजिए, इनका लहंगा है, फंक्शन इवेंट सारे जा रहे हैं, लगन के टाइम पे आए हैं लोग इस बार। बोल रहे हैं इसको तो पहुंच टाइम हो चुका है लड्डू के पापा का जाने का, एक बार जाके आ चुके हैं, अभी वापस इनका वो करना है, जो बायन वगैरह होता है वो जाएगा। तो लड्डू वहां से चलिए ले लीजिए। यहाँ पे लड्डू के मामा मांग रहे हैं कि मेरे को केला दो, और लड्डू मुझे दो। अरे मेरा बेटा, शेयरिंग इज हाँ बॉस, तो वो खा भी नहीं रहे हैं, मुझे दो मुझे दो। यम्मी, ये लो पहले ये खा लो, फिनिश करो। रुको बेटा, इसको डांस कर दो। तो इज इट यम्मी लड्डू बनाना, Do you like banana? लड्डू Do you like banana, लड्डू? हाँ, धीरे धीरे हिला रहे हो। No? Why are you eating then? ची 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 ची। यहाँ पे हो चुकी, आहा, इनको लग गया चोट दरवाजा से। इनका पायल देख सकते हैं। यहाँ इनकी हो गई है पूरी तैयारी, अपना गले का पहन के कानों में पहन लीजिएगा, और यहाँ टीका वगैरह पहनेंगी। हम लोग गए थे एंगेजमेंट में, सब चीज उठा के हम लोग मम्मी को उसमें रख दिए थे, अब मम्मी को पता ही नहीं था, वही बोल रही है सब इसमें ही रख दिए, सब कहीं कोई ले लेता तो इसीलिए। और इनका ये पटिया उल्टा है, कल मंडे है तो बस जब तक आप वीडियो देखेंगे जा चुका होगा सब कुछ अपने अपने जगह, और ये अब जा रही है शादी में एंजॉय करने, फिर अब जब शादी होगी तब निकलेगा, है ना, होली वगैरह टाइम, तो देखते हैं। तो बस जाइए, तैयार होइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे मम्मी ये बायना दे चुकी है, 3 पाइनएप्पल जाएगा क्या? 3 पाइनएप्पल यहाँ दिला गया, 1 इनके मौसी के घर जाएगा, 1 इनके घर, और बाकी 2 मेरी मौसी के घर जाएगा यहाँ। बट यहाँ 2 ही साड़ी क्यों है? एक तो मौसी का भी दिलाएगा ना, 2 मौसी का, एक उनका, तो वही तो बोल रहे हैं 2, 3 साड़ी था कि 2 था, क्या साड़ियाँ उधर रखे हैं, साड़ियाँ उस भैया मार रहा है हॉर्न सामान ले जाने के लिए। ये मार रही है पोज। बना लो जा रहा है।
इस गाड़ी में चींटी घुस गई, अभी ये लोग परेशान हो गए चींटी के वजह से। एक मम्मी चार्जर जा रहा है आपका, अब तुम यहाँ है तो हॉर्न कौन मार रहा है? लड्डू है क्या गाड़ी में? मम्मी का तो जा रहा है, उसको निकालो तो वो नहीं जाएगा। लड्डू मामा के साथ जाने के लिए तैयार है, तो लड्डू भी जा रहा है। अब उसका जाइए, अब तुम्हारे से बाय बाय, फिर आ जाएगी। फाइनली यहाँ पे तो आप बोली थी कल आएंगे, बाइना जो था ना एगो पोलथीन उठा के दे देगी रंजना उनको, गुंजा उनको बाय। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे भाभी भैया निकल गए थे घर से, और लड्डू बहुत ज्यादा रो रहा था, उसको जाना था अपने मामू के साथ। एक्चुअली मैं उसको कार में बैठना था, फिर मैं बोल रही थी चलो रेड कार में बैठते, मैं बैठाती हूँ तुमको, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर बाद में भैया ने बोला उसको लेके आओ। फिर हम लोग देख रहे थे यहाँ से बहुत देर तक कि अब जाएंगे अब जाएंगे, लेकिन भैया भाभी का भाभी की कार के आगे ही कार लगी हुई थी तो वो नहीं जा पा रहे थे। मैं उसको लड्डू को फुसला रही थी कि चलो हम लोग दूसरे कार से जाएंगे, लेकिन उसको जाना था उससे ही। तो फिर हम लोग गए भाभी भैया के पास, फिर भैया बोला कि अरे उसको थोड़ी देर तक अंदर डाल दो क्योंकि अभी टाइम लगेगा हम लोगों को जाने में। तो वो अंदर जा कर के बैठ गया था, फिर मेरे से कैसे मिल रहा था देखिए। यहाँ भाभी पूरा खुश थी, मायके जा रही थी, हर लड़की को खुश होती खुशी होती है मायके जाने में, वैसे ही भाभी एकदम पूरा रेडी वेडी होकर के चली गई थी। और उसी दिन मेहंदी भी था उनके घर, यहाँ लड्डू एकदम खुश हो गया अंदर बैठ के कि जा रहे। मैं एक्टिंग कर रही थी कि बाबू मैं रो रही हूँ, आ जाओ। तो पहले थोड़ी देर तक देखा मेरे को, फिर उसके बाद से उसको हुआ कि मम्मा तुम भी अंदर आके बैठ जाओ, बाहर मत बैठो। मैं ऐसी एक्टिंग कर रही थी रोने का, और उसको उसकी आंख में आंसू था तो वो पूछने लग गया। फिर उसके बाद से लड्डू खोल रहा था डोर कि मैं भी जाके बैठ जाऊँ, फिर मैं जल्दी खोला, मैं फटाक से उसको उठाई और उठा करके ऊपर चली गई। फिर यहाँ से भैया भाभी निकल गए और मैं ले ली थी लड्डू को, ऊपर लेके चली गई थी। आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शादी के कुछ शादी बोल रही हूँ एंगेजमेंट के कुछ वीडियोस हैं, दो वीडियोस जो अभी तक मैं पोस्ट नहीं की हूँ, बहुत स्पेशल वीडियोज़ है, वो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।